ना श्रेयस और सुंदर का कमाल काम आया, ना ही उमरान का तूफान भारत को हार से बचा पाया। ऑकलैंड में कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के लिए एक ऐसा कमाल दिखाया कि टीम इंडिया के लिए एक झटके में जीता हुआ मुकाबला हार की सूरत में बदल गया। क्या रहा मुकाबले का हाल, कैसे बल्लेबाजों के कमाल और उमरान के तूफान के बावजूद जीता हुआ मुकाबला हार गया भारत, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। ऑकलैंड के ईडन पार्क में मेजबान टीम के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उधर फैंस की भारी मांग सुन ली गई और दोनों ही संजू सैमसन और उमरान मलिक को कप्तान धवन ने प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत दमदार रही। कप्तान धवन और युवा गिल ने मिलकर बेहतरीन अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। पहले 10 ओवर में नई गेंद से कीवियों ने ये साझेदारी तोड़ने का पूरा प्रयास किया, पर गिल और धवन ने न्यूजीलैंड और कप्तान केन विलियमसन के सभी प्लान्स को फेल कर दिया। दोनों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में केवल 40 रन बनाए, लेकिन जैसे ही नजरें जमा ली फिर अगले 10 ओवर में दोनों ही गेंदबाजों की क्लास लगा दी। पहले विकेट के लिए इस जोड़ी ने एक बार फिर 70 की साझेदारी कर डाली। साथ में ओपन करते हुए केवल 9 मुकाबलों में चौथी बार गिल और धवन ने इस करिश्मे को अंजाम दिया, जिसके चलते टीम इंडिया ने मुकाबले में मजबूती से पकड़ बना लिया था। इस दौरान गिल और धवन दोनों ने अर्धशतक ठोका और विपक्ष खिलाड़ियों के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी, पर अपने घर पर न्यूजीलैंड भी इतनी जल्दी घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। केन एंड कंपनी ने भी दमदार वापसी की। 24वें ओवर में न्यूजीलैंड के घातक तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने गिल को 50 के निजी स्कोर पर पवेलियन पहुंचाया, तो इसके फौरन बाद शानदार लय में चल रहे धवन 77 गेंदों में 72 रनों की कप्तानी पारी खेलकर सऊदी के शिकार बन गए। इसी बीच टीम सऊदी ने भी अपने करियर में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया और वो पहले ऐसे गेंदबाज बने जिनके नाम T20 में 100, वनडे में 200 और टेस्ट में 300 विकेटों का आंकड़ा हासिल हो। यहाँ से मेजबान मोमेंटम अपनी तरफ खींचने के प्रयास में लग गए। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के ऊपर पारी संभालने की दरकार थी, लेकिन पंत का खराब फॉर्म यहाँ भी जारी रहा। 23 गेंदों में केवल 15 रन करके पंत पवेलियन लौट गए और फर्ग्यूसन के दूसरे शिकार बने। 156 पर टीम को तीसरा झटका लगता है। फर्ग्यूसन अलग ही कहर बनकर भारतीय टीम पर टूट रहे थे। उसी ओवर में इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव ने स्टाइल के साथ चौके के साथ खाता जरूर खोला, लेकिन फर्ग्यूसन ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाकर एक साथ दोहरा वार किया। केवल 4 रनों के अंतराल पर भारत को 2 बड़े झटके लगे और अब सबकी नजरें श्रेयस के अलावा फैंस फेवरेट संजू सैमसन पर भी टिकी थी और दोनों ने ही भारतीय फैंस को निराश होने का मौका नहीं दिया। श्रेयस सेट हो चुके थे और अग्रेसिव होकर उन्होंने गेंदबाजों पर प्रहार जारी रखा हुआ था। दूसरे छोर से कूल एंड काम संजू अपनी पारी को बड़ी समझदारी से बुन रहे थे। दोनों ने मिलकर 40वें ओवर में भारत को 200 का आंकड़ा पार करवाया और आखिरी 10 ओवरों के लिए लॉन्चिंग पैड भी तैयार कर दिया। सिर्फ 57 गेंदों में श्रेयस ने अपना अर्धशतक ठोका। इसी बीच श्रेयस न्यूजीलैंड की धरती पर लगातार 4 अर्धशतक लगाने वाले पाकिस्तान के रमीज राजा के बाद केवल दूसरे विदेशी बल्लेबाज बन गए। उधर संजू भी अपने मिले हुए मौके पर चौका लगा रहे थे और अब दोनों छोरों से ही गेंदबाजों की पिटाई शुरू हो चुकी थी। चौके और छक्कों की बौछार से ऑकलैंड में रनों की बारिश जारी थी। आखिरी 10 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। श्रेयस संजू ने मिलकर भारत को 250 का आंकड़ा पार करवाया। 5वें विकेट के लिए दोनों ने 94 रनों की अहम साझेदारी निभाई। हालांकि 46वें ओवर में संजू सैमसन रनों की गति को बढ़ाने के प्रयास में मिलने की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन उनकी 38 गेंदों में 36 रनों की पारी ने भारत को काफी बेहतर स्थिति में पहुंचाया। श्रेयस अय्यर ने उधर से मोर्चा संभाले रखा और चौके छक्कों की बरसात जारी रखी, लेकिन सैमसन के बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अति सुंदर पारी खेल दी। पीछे से आकर 16 गेंदों पर 3 चौके और 3 बेहतरीन छक्के की मदद से सुंदर ने तूफानी अंदाज में 37 रन ठोक दिए और इस दौरान मिलने को 49वें ओवर में सुंदर ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए कुल 17 रन कूट दिए। हालांकि अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर 76 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। बावजूद इसके टीम इंडिया ने आखिरी 60 गेंदों में 96 रन ठोके, जिसके चलते भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 306 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 307 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने सधी हुई शुरुआत की।
फिन एलन और डिवॉन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 35 रन जोड़े। हालांकि इस दौरान शार्दुल ठाकुर के ओवर में एलन को पवेलियन पहुंचाने का आसान मौका चहल से निकला, पर लॉर्ड ठाकुर ने अपने ही अंदाज में एक बाहर जाती गेंद से एलन को सीधे पवेलियन की राह दिखा दी और टीम को पहली कामयाबी मिली। और दोस्तों, आखिरकार इसके बाद वो पल आ गया जिसका करोड़ों भारतीय फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10वें ओवर में कप्तान शिखर धवन ने गेंद जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक को थमाई। उमरान ने भी अपने डेब्यू पर पहले ही ओवर में दो लगातार गेंद 150 की गति से डालकर विरोधी कप्तान केन विलियमसन को भी हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, इस युवा स्पीड डस्टर ने अपने पहले स्पेल में ही न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर कॉनवे, जो काफी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे, उन्हें चलता किया और डेब्यू पर ही अपने पहले विकेट का कॉलम का खाता खोल दिया। इससे पहले कि न्यूजीलैंड इस झटके से संभल पाती, उमरान का तूफान फिर से न्यूजीलैंड पर कहर बनकर टूटा और इस बीच डैरिल मिचेल को उड़ा ले गया। अपने करियर के पहले वनडे मुकाबले में दो विकेट लेकर उमरान ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ कर रख दी थी। 88 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाज पवेलियन की राह देख चुके थे और भारत मुकाबले को जीतने की कगार पर नजर आ रहा था। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ टॉम लैंथम ने भारत की जीत के रास्ते में अड़ंगा लगा दिया। एक तरफ से न्यूजीलैंड के कप्तान केन तो दूसरे छोर से उप कप्तान लैथम ने एडन पार्क में खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी निभाई कि 20 से 40 ओवर के दरमियान भारतीय गेंदबाज एक अदद विकेट लेने के लिए भी तरसते रह गए। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। खासकर लैथम तो अलग ही अंदाज में नजर आए। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज ऑकलैंड की छोटी बाउंड्रियों का बड़ा बखूबी फायदा उठाता हुआ नजर आया। न्यूजीलैंड के उपकप्तान ने गेंदबाजों के ऊपर चौके और छक्कों की बरसात कर दी। केवल 76 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से शतक ठोककर टॉम लैंथम न्यूजीलैंड के लिए जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। दूसरे छोर पर केन कंसिस्टेंट विलियमसन ने भी एक कप्तानी पारी खेली और एक समय जो मुकाबला न्यूजीलैंड से दूर जाता हुआ नजर आ रहा था, विलियमसन और लैंथम के बवंडर ने पूरे मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 200 से ऊपर रन ठोक दिए और भारत के खिलाफ वनडे में किसी भी विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी कर डाली, जहां टॉम लैंथम एकदम आउट ऑफ द सिलेबस बनकर आ गए और 104 गेंदों में लैथम ने 19 चौके और 5 छक्के जड़े थे और 140 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 145 रन कूट दिए। दूसरे एंड पर केन विलियमसन ने 98 गेंदों में 94 नाबाद रन बनाए और इसी के साथ मेजबान न्यूजीलैंड ने 17 गेंद बाकी रहते धमाकेदार अंदाज में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और एक युवा भारतीय टीम के लिए कई सवाल साथ छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आखिर कहां हुई टीम इंडिया से चूक जिसके कारण मिली हार, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।